जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके साइंस में तो रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लाए हैं। और अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1947, 1951, 1935 या फिर 1950। ठीक है, देखो यहाँ पर भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन भारत में प्रजातंत्र या फिर गणराज्य जो लागू हुआ था, प्रजातंत्र, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जब भारत का संविधान बनकर भारत में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ करेक्ट आंसर होगा कि भारत प्रजातंत्र राष्ट्र का बना 1950 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1882 अडियार, 1885 बेलूर, 1890 आवड़ी या फिर 1895 वेल्लूर। ठीक है, देखो जो थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, न्यूयॉर्क में, और मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्कॉट ने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने अपना जो भारत में अपना जो मुख्यालय, वैसे मुंबई के अंदर इनका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था, लेकिन मुंबई में कुछ टाइम के लिए रहा, लेकिन इनका जो मुख्य कार्यालय है वो 1882 में अडियार तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, आगरा, दिल्ली या फिर अमरकोट। ठीक है, तो इनमें से शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर करवाया गया था, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, आगरा के अंदर। ठीक है, इनके अलावा शाहजहां की जो द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में ताजमहल है जो आगरा में स्थित है, ठीक है, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है अपना कि आसियान संगठन में कितने सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, देखो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, और इसके जो टोटल सदस्य देश है वो 10 है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। उन 10ों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, ये 10 देश है जो इनके सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मुस्लिम धार्मिक स्थल मक्का किस देश में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक या फिर कुवैत। ठीक है, तो मुस्लिमों के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है मक्का और मदीना, ये दोनों शहरी सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से किसको दोबारा उपयोग में किया जा सकता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्राकृतिक गैस, कोयला, धातुएं या फिर प्राकृतिक तेल। ठीक है, तो इनमें से क्या है जिसको हम एक बार यूज़ करके वापस भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, धातुएं। ठीक है, धातुएं को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल और कोयला, इनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऊंट, भेड़, याक या फिर खरगोश। ठीक है, तो ये अंगोरा ऊन विश्व प्रसिद्ध ऊन है और महंगी ऊन भी है, और ये खरगोश की ऊन से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। और अगर खरगोश ऑप्शन नहीं आता तो एक अंगोरा बकरी भी आती है। ठीक है, अंगोरा बकरी से भी इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कर, वर्मन, बल्ली या फिर विधाता। ठीक है, तो वैदिक काल में राजाओं द्वारा ये एकत्रित नहीं किया जाता था, कहा जाता है कि इनको प्रजा खुद अपनी इच्छा से या तो फिर धन देती थी या फिर पशुओं को देती थी, और उसको बलि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके उत्तराधिकारी कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे, तानाजी, बाजीराव, साहू जी या फिर संभाजी। ठीक है, तो शिवाजी के बाद जो छत्रपति बने थे वह है छत्रपति संभाजी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे, नर्मदा, सोन,
महानदी या फिर शिप्रा। ठीक है, तो उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, जबकि नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर शहर, ठीक है, और सोन नदी के तट पर डेहरी, ठीक है, और महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह या फिर सुशील कुमार। ठीक है, तो भारत के लिए जो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक है किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा यानी एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड है वो अभिनव बिंद्रा के नाम है। ठीक है, इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, जबकि दूसरा पदक नीरज चोपड़ा ने अभी 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें जीता था। अगला सवाल है अपना कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। ठीक है, तो इनमें से मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, केरल से। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का है, जबकि आंध्र प्रदेश के अंदर कुचिपुड़ी और तमिलनाडु के अंदर भरतनाट्यम और कर्नाटक के अंदर यक्षगान शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि गोल क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी हुई है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्याज, आलू, टमाटर या फिर अंडा। ठीक है, तो इनमें से गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, आलू उत्पादन से। देखो, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अपने पास प्याज। ठीक है, तो प्याज से संबंधित जो क्रांति है वो है गुलाबी क्रांति। ठीक है, प्याज और झींगा मछली उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से है। थर्ड ऑप्शन अपने पास टमाटर, तो टमाटर का जो संबंध है वो लाल क्रांति से है। ठीक है, टमाटर और मांस का संबंध लाल क्रांति से है। और फोर्थ ऑप्शन अपने पास अंडे, तो अंडे का संबंध रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन से है। अगला क्वेश्चन अपना कि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम क्या कहा था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा या फिर सरदार। ठीक है, तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, जबकि राष्ट्रपिता और बापू, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता और बापू कहकर संबोधित किया था। लास्ट क्वेश्चन है जीके का कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे, फ्यूहरर, चेका, किंग या फिर जार। ठीक है, तो जो रूस के शासक थे 1857 की जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी उससे पहले रूस के शासक को जार कहा था, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और रूस का जो आखिरी जार था वो निकोलस सेकेंड था। ठीक है, फ्यूरर जो हिटलर है उसको फ्यूरर कहा जाता था, तो जर्मनी के जो नेता होते हैं उनको फ्यूरर कहा जाता था, ये हिटलर का उपनाम भी इसका याद रखना है। सेकेंड पार्ट अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी यानी पानी से होने वाली बीमारी है? चार ऑप्शन दे रखे, निमोनिया, सामान्य जुकाम, हैजा या फिर कंठमाला, ठीक है, जिसको मम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो पानी से संबंधित है? तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, कोलरा या फिर हैजा। ठीक है, हैजा पानी से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन अपना है कि विज्ञान की किस शाखा में फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, डेक्टिलोग्राफी, जियोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से फिंगरप्रिंट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, डेक्टिलोग्राफी। ठीक है, जबकि जियोलॉजी में भूविज्ञान का अध्ययन होता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन अपना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, थुम्बा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, थुम्बा। और थुम्बा कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल, जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसके पास में एक गाँव है थुम्बा, वहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के अंदर स्पेस से संबंधित एक सेंटर है जिसका नाम है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ठीक है, और श्रीहरिकोटा के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, देखो डायनेमो बोलते हैं जनरेटर को या फिर विद्युत जनित्र को, जिसका आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। और डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि एक लेंस की क्षमता -2.0 डी है, तो यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो देखो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, तो यहाँ पर ये जो डी है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? डायोप्टर के लिए। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है। देखो साइनाइड एक ऐसा जहर है जो 5 से 10 सेकंड के अंदर भी आदमी को मार सकता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, प्रियोसिक एसिड। अगला क्वेश्चन अपना कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर कोई भी अम्ल है उसको धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उनमें से हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। ठीक है, तो अगर कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, उसका अपघटन होता है तो उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो सीसा या फिर लेड का एक समस्थानिक होता है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, काला चना, दही, नींबू या फिर इमली। ठीक है, तो इनमें से साइट्रिक एसिड किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, नींबू के अंदर। ठीक है, जबकि काले चने के अंदर मैलिक एसिड, दही के अंदर लैक्टिक एसिड और इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पौधों के पत्तों में पृष्ठ पर पाए जाने वाले छोटे लघु छिद्रों को का नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गर्त, रंध्र, त्वचा रोम या फिर जल रंध्र। ठीक है, तो पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है, यानी रंध्र कहा जाता है, और ये हमेशा पेड़ पौधों के जो पत्तियां होती है उनके निचली तरफ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, प्लेटलेट्स की या फिर पानी की। ठीक है, तो जब डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर के अंदर जो डाउन होती है वो प्लेटलेट्स होती है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। आपने सुना भी होगा किसी को कहते हुए कि उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई है। अगला क्वेश्चन अपना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर लार ग्रंथि। ठीक है, तो इनमें से मानव शरीर के अंदर जो पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर यानी यकृत अपने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन अपना कि सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो उसमें आपको 273 जोड़ देना है। ठीक है, और अगर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो इसमें से 273 माइनस कर दो। तो यहाँ पर अपने पास केल्विन में है 300 केल्विन और इसको हमें चेंज करना है सेल्सियस में, तो इसमें से माइनस कर दो 273, तो बचेगा अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था उनमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार था एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा एक अंडज स्तनी है। अंडज स्तनी किसको बोलते हैं, ऐसा जीव जो अंडे भी देता है और स्तनधारी भी है, यानी अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कंगारू, मोनिट्रोम, चमगादड़ या फिर वहल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जीव है जो अंडज स्तनी है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, मोनोट्रीम। ठीक है, मोनोट्रीम के अलावा प्लेटिप्स, ठीक है, प्लेटिप्स भी एक अंडज स्तनी है। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि 3 × 6 + 8 − 6 / 3 + 9 का मान क्या होगा। देखो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले क्या सरल होता है, भाग। तो यहाँ पर 6 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास 2, बाकी सेम लिख देते हैं प्लस 9, इधर माइनस का 8 प्लस 3 × 6। अब क्या होगा गुणा, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 + 8 − 2 + 9, अब होगा प्लस। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें प्लस देखते हैं तो 18 और 8 ये दोनों जुड़ेगा। ठीक है, तो 18 और 8 कितना होगा अपने पास 26, में से अगर हम 2 माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर लास्ट में अगर प्लस माइनस बचता है तो आप पहले प्लस करो, ठीक है, उसके बाद बीच में अगर माइनस आ रहा तो उसको माइनस करके फिर प्लस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर जितने भी प्लस के नंबर है जैसे 18 प्लस का है, 8 प्लस का है और 9 प्लस का, इन तीनों को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ 18 और 8 26, 26 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास 35,
और उसमें से दो माइनस कर लो तो 35 में से दो गया तो क्या बचेगा 33, या फिर आप यहाँ से भी 26 में से अगर हम दो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 24, और 24 में 9 जोड़ेंगे तब भी 33 ही आएगा। तो यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखना है, ये नहीं कि 2 और 9 को प्लस कर लिया और 18 और 8 को प्लस करके फिर घटा देंगे तो फिर अपना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 33 भी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापसी के समय उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो दोनों यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी, ठीक है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वापस उसी स्थान पर आ जाता है, ठीक है, तो हम जाने की चाल को अगर एक्स मान लेते हैं और आने की चाल को वाई मान लेते हैं, तब जो उसकी एवरेज औसत चाल होगी वो जाएगी 2xy, ठीक है, बटा एक्स प्लस वाई, यानी 2 इंटू जाने की चाल इंटू आने की चाल बटा जाने की चाल प्लस आने की चाल, ठीक है। अब यहाँ 2, जाने की चाल क्या थी 20 और आने की चाल 30, फिर जाने की चाल थी 20 प्लस आने की चाल 30, इसको सरल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 50। अब जो कट रहा उसको काट दो, सबसे पहले इस एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 का भाग बीच में 4 बार, 5 और 20, अब ये हो गया अपने पास 4 दूना 8 8 दिया 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, उसकी औसत चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना भाग करेंगे, ठीक है। तो देखो, ए करता है 15 दिन के अंदर और बी करता है 20 दिन के अंदर, तो अगर हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 और बी का हो जाएगा 1/20, जो कुल काम दे रखा उसका उल्टा कर लो, एक दिन का काम आ जाता है। अब दोनों मिलकर तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जोड़ने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, 15 का 60 में 4 बार और 20 का 60 में 3 बार भाग जाता है, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया 7/60, ये जो 7/60 है ये इन दोनों का एक दिन का काम आया, ये हमसे पूछा है कि दोनों एक दिन में कितना करेंगे, तो 7/60 ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि 20,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। देखो, चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मूलधन लिखना है 20,000 रुपये, ठीक है, और दर क्या दे रखी है 10% है, इसको 100 में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 110/100, और समय 3 वर्ष दे रखा है तो इसको 3 बार लिख दो, 110/100 × 110/100, ठीक है, ये इसका 3 साल बाद का मिश्रधन पता चल जाएगा। देखो, डायरेक्ट ब्याज नहीं आता, पहले मिश्रधन आता है, तो यहाँ मिश्रधन ही पूछ रहा है तो मिश्रधन निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, ठीक है, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गया। अब अपने पास क्या बचा, 11 × 11 × 11 × 2, ठीक है, ये 110 है, तो ये हो जाएगा अपने पास। देखो, 11 को 11 से गुणा करके फिर 11 से गुणा करते तो ये आता अपने पास 1331, क्योंकि 11 का क्यूब होता है और इसके पीछे एक जीरो लगा दो और इसको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0 2 6 6 और 2, ठीक है। अगर हम 1331 जीरो को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 26,620 इसका चक्रवर्ती मिश्रधन आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। और अगर आगे ब्याज की पूछे तो इसमें से मूलधन जो कितना है 20,000 वो माइनस कर लो, ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास 6,620 रुपये फिर इसका ब्याज बनेगा, लेकिन यह ब्याज नहीं पूछा या मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन 26,620 रुपये होगा। अगला सवाल है अपना कि 9,000 रुपये की एक धनराशि को ए बी सी में 4:5:6 में के अनुपात में बांटना है तो बी का हिस्सा ज्ञात करिए, ठीक है। देखो, ए बी और सी या ए बी सी में 4:5:6 में बांटना है, तो अगर देखो ए को 4 मिल रहा है, बी को 5 मिल रहा है और 6 को सी मिल रहा है, तो कुल कितना हो गया, अगर हम तीनों अनुपात को जोड़ते हैं तो ये अपने पास होता है 15, ठीक है, और वास्तव में जो कुल रुपये हैं वो 9,000 है, तो कुल के नीचे लिख दो 9,000 रुपये, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं कि बी को 15 में से कितना मिल रहा है 6, ठीक है, तो अगर 5 मिल रहा है, ठीक है, बी को कितना मिल रहा है 5, तो अगर 15 में से 5 मिल रहा है तो 9,000 में से कितना मिलेगा x, ठीक है, जिसका निकालना उसके नीचे x मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 15x = 5×9,000, ठीक है, और 15 गुणा में भाग में चला जाएगा, इसको काट दो, 5 का भाग 3 बार और 3 का भाग 9 में 3 बार और 2 3 जीरो का 3 जीरो, यानी बी का हिस्सा कितना है टोटल 3,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, संभव त्रिभुज किसको बोलते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
समान हो, ठीक है। और प्रत्येक भुजा है 6 सेंटीमीटर और हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर अंडर रूट 3/4, ठीक है, ए स्क्वायर रूट 3/4। तो यहाँ पर ए भुजा कितनी है, 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर अंडर रूट 3/4 और 6 का स्क्वायर होता है 36 अंडर रूट 3/4 और 4 का भाग 36 में जाता है 9 बार। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना, एक टीवी सेट 16,756 रुपये में बेचने पर 18% का लाभार्जन होता है तो टीवी सेट की लागत की कीमत क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 16,756 क्योंकि बेचा इसने 16,756 में और उसको 18% का लाभ हुआ। तो देखो अगर हम क्रय मूल्य को अगर हम मान के चलते हैं 100 रुपये है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब 18% का लाभ हो रहा है तो 118, क्योंकि लाभ में जोड़ते हैं हानि में घटाते हैं। अब इसने कहा कि बेचा इसको 16,756 में, यानी विक्रय मूल्य है 16,756, तो क्रय मूल्य क्या होगा, x। यही पूछा, लागत कीमत क्रय मूल्य ही होता है, वजर गुणा कर दो इसको। तो x बराबर हो जाएगा 100 × 16,756/118, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम 2 से काटते हैं तो ये होता है अपने पास 5 और 9 और ये हो जाएगा अपने पास 8, ठीक है, 3, एक बज गया यहाँ 7 बार, फिर एक बज गया 16 में 8 बार, ठीक है। 59 का भाग अगर हम देते हैं 8378 के अंदर, ठीक है, तो ये इसके अंदर सीधा सीधा जाता है इसका भाग 142 बार, ठीक है, और 142 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 14,200 रुपये उसकी लागत कीमत होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि 495 + 660 ऑफ 75% बराबर क्या होगा, या 495 + 660 का 75% क्या होगा, ठीक है। देखो सवाल है अपने पास 495 + 660 का मतलब गुणा और 75% का मतलब 75/100, ठीक है। और सबसे पहले इसको सरल करते हैं तो ये 25 से कटता है, 25 + 75 और 25 × 100 और 4 का भाग 66 में देते हैं तो 4 × 1 = 4 बच गया 2, 4 × 6 = 24 बच गया 2, 4 × 5 = 20, 165 बार। और 165 को 3 से गुणा करते हैं तो 5 × 3 = 15 हासिल का 1, 18 और 1 = 19 हासिल का 1, 3 और 1 = 4, 495 आएगा प्लस 495, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 495 और 495 को जोड़ते हैं तो ये होता है अपने पास 990। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितने रुपए होगी। देखो 60% का सवाल आ गया तो हम प्रतिशत में उसकी कुल आय क्या मान के चलते हैं, 100, ठीक है। उसमें से देखो आय के दो हिस्से होते हैं, या तो वो खर्च हो जाती है या फिर वो बचत करता है, ठीक है, आय के दो हिस्से होते हैं, खर्च या बचत। अब इसने 60% खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी, 40% की, क्योंकि 100 में से 60 खर्च कर रहा है तो 40 बचत होगी। अब इसने कहा कि यदि उसकी मासिक आय 3,000 रुपये है, अब देखो मासिक आय का मतलब कुल आय कितनी है 3,000 रुपये, तो बताओ उसकी बचत कितनी होगी। देखो बचत पूछ रहा है, बचत के नीचे एक्स मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बराबर हो जाएगा 3,000 × 40/100, 20 से ये 20 कट गए और 4 को 3 से गुणा किया तो 12 × 20 = 20, यानी 1200 रुपये उसकी मासिक बचत होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। देखो 24 तो लड़के और एक शिक्षक है, यानी टोटल कितने हो गए, ये टोटल है ये 25, ठीक है, जिनकी एवरेज कितनी है 15 साल, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 25 को अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो 25 × 125 हासिल का 12, 25 × 12 = 37, 375, ठीक है, 375 साल सभी की, जिसमें शिक्षक और लड़के दोनों है। अब इसने कहा कि शिक्षक की आयु हटा दे तो शिक्षक को एक कम कर दे तो अब बचे छात्र 24 और एक औसत भी एक कम हो जाता है तो औसत कितना हो जाएगा 14, ठीक है, तब छात्रों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 14 को 24 से गुणा कर दो, 14 × 56 हासिल का 5, 28 × 5 = 33, 336 साल। ये 336 साल सिर्फ छात्रों की है और 375 में छात्र और शिक्षक दोनों है। अब शिक्षक की आयु निकालनी है तो इसको माइनस कर लो क्योंकि इसमें शिक्षक भी है, ठीक है, तो 5 में से 6 नहीं जाता तो 15 में से 6 गया तो 9, इधर बचा 6 में से 3 गया तो 3, तो जो शिक्षक है उसकी आयु कितनी होगी 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी अपना
करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि 9 बक्सों में दर्जनों में 856 केले पैक किए गए और प्रत्येक बक्से में समान संख्या में केले हैं, तो प्रत्येक बक्स में कितने बक्से में कितने दर्जन केले पैक किए गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कुल केले कितने हैं, 864। ठीक है, 864 केले हैं जिनको 9 बक्सों में पैक किया गया। तो एक बक्से में कितने केले आएंगे, इसमें 9 का भाग दे दो, 99 81 बच गया 5, 9 6 54, यानी एक बक्से के अंदर टोटल 96 केले हैं। लेकिन इसने कहा कि एक बक्से में कितने दर्जन केले हैं, तो अब दर्जन में पता करना, तो एक दर्जन में ध्यान रखना हमेशा 12 होता है। ठीक है, तो इसमें 12 का भाग देंगे तो 12 × 96 यानी एक बक्से के अंदर 8 दर्जन केले हैं। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। देखो अगर संख्या दे रखिए, बाद में स्क्वायर में अगर आंसर पूछता है तो जो आंसर है वो किससे निकालते हैं, संख्या का स्क्वायर प्लस माइनस 2। ठीक है, संख्या ये जो दे रखी है वो होती है, तो यह संख्या है 6 का स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन में प्लस दे रखा है तो माइनस करना है, और माइनस दे रखा है तो प्लस करना है बस। ठीक है, तो यहाँ प्लस दे रखा था, यहाँ क्या करेंगे, माइनस और 2 का 2 लिख दो, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, और 36 में से 2 गया तो 34। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। और अगर यहाँ माइनस दे रखा होता तो फिर यहाँ प्लस करते तो फिर आंसर क्या आता, 36 और 2 38। अगला क्वेश्चन अपना, वे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे। ठीक है, अब देखो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो हमेशा यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, और 8, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। ठीक है, अब इसने कहा कि प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, तो जब भी शेष बचे की बात करें तो हमेशा हमें जोड़ना है 2। ठीक है, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 वे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 8, 12 और 16 किसी का भी भाग देंगे तो हमेशा 2 शेष बचेगा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, जो 60 से 80 तक जितनी भी अभाज्य संख्या उनका योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि 60 से 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या उनका टोटल कितना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है मैथ का कि समीकरण 3 − 7x + 6x² = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखो मूलों का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल सिंपल होता है C/A। अब द्विघात समीकरण क्या होती है, x² + bx + c = 0, जहां पर या x² के आगे a, x के आगे b और c यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दे रखी है वो पूरी बिगड़ी हुई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको हम सही जमाएंगे, तो यहाँ पर देखो x² फर्स्ट में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा अपने पास 6x², और x की संख्या जो सेकेंड नंबर पे है वो यहीं रहेगी माइनस का, ठीक है, माइनस का 7x और प्लस का 3, क्योंकि c 3 दे रखा है। ठीक है, अब ये है द्विघात समीकरण और हमें इसके मूलों का गुणनफल पता करना है। तो देखो c की वैल्यू कितनी है 3, और a की वैल्यू कितनी है x² आगे 6 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखो 3/6 क्या होता है, 1/2, मूलों का गुणनफल क्या होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है अपना रीजनिंग का, और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि वे मेरी सास की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है, तो वे लड़का आदित्य से क्या संबंध है। ठीक है, उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध है। देखो यहाँ पर इसने कहा, आदित्य कहता है कि वे मेरी सास, तो मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो देखो सास की जो इकलौती पुत्री है वो मेरी पत्नी होगी, क्योंकि वो इकलौती पुत्री है, और उस इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र यानी जो मेरी पत्नी है, तो उस मेरी पत्नी का जो पुत्र है वो मेरा भी क्या होगा, पुत्री होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा कि वह लड़का आदित्य से किस प्रकार संबंधित है, वो उसका पुत्र है। अगला क्वेश्चन है अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर नवा अक्षर कौन सा होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आपके सामने लिखी हुई है यह है पूरी, और उसमें बायां और दायां किधर होता है, तो देखो यहाँ पर दाईं ओर होता है और इधर बाईं ओर होता है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि बाईं ओर से 8वां अक्षर, तो इधर सामने से अगर हम 8वां अक्षर देखते हैं तो 3 3 6 और 2 8 क्या आता है, एच। ठीक है, के दाई ओर, तो देखो H का अगर हम दाई ओर देखते हैं तो इस साइड है। ठीक है, और इसका नवा अक्षर क्या होता है, तो H के बाद अगर हम 9 अक्षर गिनते हैं तो 3 3 6 और 3 9 क्या आ रहा है, Q। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो बाई ओर से 8वां अक्षर है उसके दाई ओर नवा अक्षर क्या होगा, Q। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है उसी प्रकार मांबा का किससे संबंध है। ठीक है, देखो ये मोनार्च तितली की एक प्रजाति होती है, उसी प्रकार मांबा सांप की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। ये अफ्रीका के अंदर पाए जाने वाले एक सांप की प्रजाति है और दुनिया का दूसरे बड़े सांप में इनकी गिनती होती है। और अगला क्वेश्चन है अपना कि चार अक्षर समूह दिए गए, इनमें से तीन किसी एक तरह से समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत समूह का चयन करें जो उस अक्षर का चयन करें जो असंगत है। ठीक है, इनमें से अलग ढूंढना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तांबा, पीतल, प्लास्टिक या फिर जस्ता। ठीक है, तो इनमें से अलग क्या है? प्लास्टिक, क्योंकि तांबा, पीतल और जस्ता ये धातुओं में आता है और प्लास्टिक धातु नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, रीजनिंग में लास्ट क्वेश्चन 235, 346 और 457, इसका अगला पद क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, और आपके जितने भी नंबर आए टोटल वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।